फेस की सेटिंग कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नूर हुसैन, मेरे नूर आर्ट्स एन एच एल में स्वागत है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने शेडिंग के लिए 2B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया था कि लंबी ना हो जाए। ये वीडियो आउटलाइन के ऊपर नहीं है, इसलिए मैंने आउटलाइन को पहले ही बना लिया है। इसके बाद मैंने पेपर ब्लेंडिंग स्टेम का इस्तेमाल किया है इसमें देने के लिए। अगर आपके पास पेपर ब्लेंडिंग स्टेम खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो कभी नहीं बता दीजिएगा। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं, ताकि आपको आसानी हो घर पर ही बनाने में। शेडिंग को चारों तरफ से कर देंगे, उसके बाद पेपर ब्लेंडिंग स्टेम से स्मूथ कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब वो वीडियो शुरू होते सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए बिना किसी दिक्कत के। वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक एक चीज़ ध्यान से करो और ध्यान से देखो क्या करता हूँ मैं। यार नया चैनल खोला है तो सब्र करना। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या नाम कंठू से जा रहा है। यार बताऊंगा, इसमें और लिया चलेंगे डार्कनेस देने के लिए कि अच्छा लगे दिखने में। चारों तरफ से कर देंगे थोड़ा डार्क, ताकि दिखने में अच्छा लगे। आईब्रो को भी कर देंगे थोड़ा, उसके बाद ब्रश से आईब्रो को स्मूथ कर देंगे। आँखों को अच्छे से करेंगे, इसे मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है ताकि ज़्यादा डार्क हो सके। तो यार वीडियो को एंजॉय करो, जब आए हो इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ सीख के जाओ। ज़्यादा मैं कुछ बताऊंगा तो आपको उतना समझ भी नहीं आएगा जितना आप खुद से समझोगे। देखो, समझो, खुद सीखो, खुद ऑब्जर्व करो तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मैं करता हूँ। तो यार जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे यार कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए कुछ सीखो, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। Thank you.
हेलो गाइस, आपको कैसा लगा वीडियो? आपको समझे कि नहीं समझे देखकर? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर देना। अगर आपको पेपर ब्लेंडिंग सिस्टम का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी से बनाने में मदद मिल जाए। चलो यार बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।